ये बात तो आप भी हमेशा से ही सुनते आ रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी के आने से पहले इस धरती पर हर तरफ जंगल हुआ करते थे। लोग जंगलों में ही रहते थे और यहीं पर शिकार करके और फल फूल पौधे आदि खाकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान विकास की तरफ बढ़ने लगे, वैसे वैसे इन जंगलों की कटाई होना भी शुरू हो गई। लोगों ने कभी अपने रहने के लिए घरों को बनाकर जंगलों को साफ किया, तो कभी अपने स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई। टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते सफर में कई जंगल तो अपना वजूद खो बैठे, लेकिन इसके बावजूद कुछ जंगल आज भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने जड़ों को मजबूत रखा है और आज भी विशाल एरिया में फैले हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जंगल को लेकर आए हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में शामिल किया जाता है। नंबर 10, सिन्हाराजा फॉरेस्ट रिजर्व। इस वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं श्रीलंका में मौजूद सिन्हाराजा फॉरेस्ट रिजर्व से, जिसे दुनिया में सबसे बड़े जंगलों में एक माना जाता है। ये विशाल होने के साथ ही इतना प्रीसियस है कि यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। इस जंगल को साल 1978 में स्थापित किया गया था, जिसके संचालन का कार्य वन संरक्षण विभाग के पास है। आपको बता दें कि सिन्हाराजा फॉरेस्ट रिजर्व करीब 111.9 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ कई प्रकार के जानवर के साथ ही तरह तरह के पेड़ और पौधे भी बसे हुए हैं। श्रीलंका में पाए जाने वाली तितलियों, पक्षियों, सांपों और मछलियों की प्रजातियों के करीब 50% जानवर इस जंगल में आपको देखने को मिल जाएंगे। यही नहीं, इस जंगल में ऐसे भी कई पेड़ मौजूद हैं जिन्हें बाहरी दुनिया में देख पाना भी बेहद दुर्लभ है। जंगल में आने वाले लोगों को जहाँ ये जंगल एक शानदार नजारा प्रदान करता है, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए ये आदत और अपनी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। इसके साथ ही ये श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, किनाबालू नेशनल पार्क। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड किया गया किनाबालू नेशनल पार्क घूमने के लिहाज से काफी अच्छी जगह माना जाता है। इसके अंदर जाने पर ऐसा लगता है जैसे ये किसी रोमांचक फिल्म का सेट हो। यही कारण है कि इस जगह पर काफी मात्रा में टूरिस्ट्स का आना जाना लगा रहता है। मलेशिया में बना ये किनाबालू नेशनल पार्क करीब 754 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में शामिल करता है। यहाँ आपको कई तरह के पक्षी और अन्य जानवर तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही पहाड़, पानी आदि चीजें भी आसानी से नजर आ जाती हैं। हालांकि इन सब के अलावा यहाँ कई खतरनाक जानवर भी बसते हैं, जिनसे हमेशा बचकर चलने की सलाह दी जाती है। ये जंगल की खूबसूरती ही है कि यहाँ लोग ट्रेकिंग से लेकर क्लाइंबिंग, कैंपिंग, वाइल्ड लाइफ वॉचिंग, प्लांट स्पॉटिंग, फोटोग्राफी आदि के लिए आते रहते हैं। नंबर 8, डेंट्री रेन फॉरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ये जंगल दुनिया के सबसे खूबसूरत लेकिन डरावने जंगलों में से एक है। यहाँ आपको करीब 10,000 से भी ज्यादा जानवरों और पेड़ पौधों की प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियाँ तो ऐसी भी हैं जिनका दुनिया में किसी और जगह पर मिलना भी बेहद मुश्किल है। वहीं डेंट्री रेन फॉरेस्ट के आकार की बात करें तो ये जंगल करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कई खतरनाक पौधे भी हैं जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये टूरिस्ट के लिए घूमने की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। हालांकि इतने टूरिस्ट के कारण धीरे धीरे जानवरों की संख्या में तो कमी आ रही है, लेकिन अब भी जंगल में कई जानवरों की ऐसी प्रजातियां मौजूद है जिन्हें खतरनाक माना जाता है। वैसे यूनेस्को के द्वारा इस जंगल पर हेरिटेज का ठप्पा भी लगाया जा चुका है, जिसके चलते जंगल को देखने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट लोगों से टिकट लेती है। वहीं इससे जुड़ी एक और खास बात बता दे कि ये दुनिया के सबसे पुराने जंगलों में से भी एक है। नंबर 7, सुंदरबंस। बांग्लादेश के खुलना डिवीजन और भारत देश के वेस्ट बंगाल के बीच में फैला हुआ ये सुंदरबंस अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में फेमस है। कुल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस जंगल में एक से बढ़कर एक जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं। ये एक ऐसा मैनग्रोव फॉरेस्ट है जहां पर पक्षियों की करीब 290 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। यही नहीं, इस जंगल में मछलियों की 120 प्रजातियां, सांपों की करीब 35 प्रजातियां
और कई दूसरे जानवर भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। सुंदरबंस में ही वर्ल्ड टाइगर रिजर्व भी बना हुआ है और इसी जगह पर व्हाइट टाइगर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इस जंगल में कई ऐसे जानवर हैं जो विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। इनमें कुछ खास तरह के कछुओं से लेकर मगरमच्छ, डॉल्फिन, केकड़े आदि जीव भी शामिल हैं। इन जानवरों को देखने के लिए टूरिस्ट्स का तांता लगा रहता है। यूनेस्को के द्वारा भी इस जंगल को हेरिटेज घोषित किया जा चुका है, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान मिला है। नंबर 6, रेन फॉरेस्ट ऑफ शिशुआंगबैना। चाइना का ये रेन फॉरेस्ट ऑफ शिशुआंगबैना दुनिया में सबसे बड़े जंगलों में से एक है। इस जंगल में पूरे चाइना के करीब 16% से अधिक पेड़ पौधे शामिल हैं। यही नहीं, इस जगह पर वास्कुलर प्लांट्स की प्रजातियों की संख्या ही 5000 के करीब है, जिसके चलते ये जंगल चाइना के इकोसिस्टम पर एक बड़ा इफेक्ट डालता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेन फॉरेस्ट ऑफ शिशुआंगबैना चाइना के करीब 19,223 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ तरह तरह के पौधे मिलती ही हैं, लेकिन इसके साथ ही कई नस्ल के जानवर भी इस जगह पर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इन जानवरों में एशियन एलिफेंट्स, ग्रीन पीकॉक्स से लेकर इंडो चाइनीज टाइगर्स और तरह तरह के खूबसूरत पक्षियों तक के नाम भी शामिल हैं। विदेशों से घूमने आए लोगों के लिए ये जंगल किसी रोमांचक जगह से कम नहीं है। रेन फॉरेस्ट ऑफ शिशुआंगबैना बाहर से जितना सुंदर दिखाई देता है, उतना ही ये अंदर से भी खूबसूरत नजर आता है। यही कारण है कि लोग यहाँ दूर दूर से आना पसंद करते हैं। नंबर 5, टोंगास। साउथ ईस्टर्न अलास्का में बसे हुए इस टोंगास जंगल का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इस जंगल को साल 1907 के दौरान प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाने के ऑर्डर पर साइन किया गया था। टोंगास नेशनल फॉरेस्ट की खास बात यह है कि ये जंगल करीब 68,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है और अलास्का के अधिकांश भाग को कवर करता है। इसके अलावा इस जंगल को संयुक्त राज्य में सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाला सबसे बड़ा जंगल भी कहा जाता है, जिसके चलते यहाँ सालाना दूसरी जगहों से आने वाले टूरिस्ट की संख्या भी काफी अधिक है। इस जंगल में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर तो रहते ही हैं, जिन्हें देखना टूरिस्ट के लिए किसी रोमांच से कम नहीं होता। तो वहीं ये ऐसा जंगल है जहाँ आज भी कई आदिवासी जनजातियाँ अपना बसेरा बनाए हुए हैं। एक रिसर्च बताती है कि इस जंगल में हजारों आदिवासी आज भी निवास करते हैं। यही नहीं, टोंगास नेशनल फॉरेस्ट में कुछ नेशनल मॉन्यूमेंट्स भी बने हुए हैं, जहां पर प्राचीन सभ्यताओं को देखने और समझने का मौका मिलता है। नंबर 4, वाल्डिवियन टेम्परेट रेनफॉरेस्ट। दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में एक नाम वाल्डिवियन टेम्परेट रेनफॉरेस्ट का भी शामिल है। ये जंगल करीब 248,100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वाल्डिवियन टेम्परेट रेनफॉरेस्ट मुख्य रूप से साउथ अमेरिका में फैले होने के अलावा और भी कई देशों की सीमा को पार कर चुका है। इस जंगल को ऊपर से देखने पर तो ये खूबसूरत नजर आता ही है, लेकिन इसके साथ ही ये अंदर से भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ ऐसे पेड़ों की करीब 122 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो वास्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं, जिनमें पाया जाने वाला जाइलम पौधे के हर हिस्से में पानी और खनिज लेकर जाता है। आगे बढ़े तो जंगल के नाम से ही ये बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ हमेशा बारिश का माहौल देखने को मिलता है, जिस कारण पेड़ों को पनपने का अच्छा मौका मिलता है और वे काफी घने हो जाते हैं। कई जगहों पर तो इन पेड़ों का घनत्व इतना अधिक होता है कि सूरज की किरणें भी जमीन पर नहीं पहुंच पाती। यानी आप खुद सोचिए कि अगर इस जंगल में कोई गलती से भी फंस जाए तो उसका क्या हाल होगा। नंबर 3, न्यू गिनी रेन फॉरेस्ट। अब हमारे सामने जिस जंगल की बारी आ रही है वो न्यू गिनी आइलैंड पर बसा हुआ एक खास जंगल है। इसकी खास बात यह है कि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। इन जंगल को न्यू गिनी रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है और ये जंगल इस आइलैंड पर करीब 288,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें से करीब 80% भाग में जंगल और बाकी के भाग में सदाबहार पेड़ों से लेकर दलदली जमीन और जलीय पेड़ है। वहीं इतने विशाल जंगल में पेड़ पौधों की करीब 11,000 से लेकर 25,000 प्रजातियां पाई जाती हैं,
जबकि करीब 1.5 लाख से भी अधिक तरह के जीव जंतु देखने को मिल जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि ये एक तरह का वर्षावन है, जिसके चलते यहाँ बारिश का होना आम बात है। यहाँ होती बारिश के दौरान वन की खूबसूरती को भी 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ कई ऐसे जीव हैं जिनका आमतौर पर दिखना भी मुश्किल है। इन्हीं में से एक नाम मैटचीज ट्री कंगारू का भी है, जो इन जंगलों के खास जानवरों में से एक है। नंबर 2, कांगो रेन फॉरेस्ट। मुख्य रूप से अफ्रीका में फैले इस विशाल जंगल की जड़ें और भी कई देशों जैसे कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, रिपब्लिक ऑफ द कांगो और गैबन तक में फैली हुई हैं। कांगो रेन फॉरेस्ट इतना विशाल है कि किसी भी छोटे देश को अपने अंदर कई बार बसने के लिए परमिशन दे सकता है। ये जंगल करीब 3.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कांगो रेन फॉरेस्ट की खास बात है कि यहां अलग तरह के करीब 600 से भी ज्यादा पेड़ आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस विशाल जंगल में करीब 10,000 से भी अधिक प्रजातियों के जानवर रहते हैं। इसके अलावा ये एक रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन है, जिसके चलते यहाँ हमेशा आपको पानी गिरता दिखाई देता है। यही एक कारण भी है कि जंगल में बहने वाली नदी में सैकड़ों तरह की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। यही नहीं, कांगो रेन फॉरेस्ट के अंदर आपको ऐसे ऐसे खतरनाक जानवर भी देखने को मिल जाएंगे जो एक ही पल में किसी भी शिकार को मार गिराने का दम रखते हैं। नंबर 1, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट करीब 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जंगल इतना बड़ा है कि यूके और आयरलैंड जैसे देशों को खुद में 17 बार फिट कर सकता है। यही नहीं, इस जंगल की सीमाएं दक्षिण अमेरिका के साथ ही ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनाम और फ्रेंच गुआना तक फैली हुई है। यानी आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल कितना विशाल होगा। अपने इतने फैले हुए एरिया के साथ अमेज़न फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी अहम योगदान निभाता है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस जंगल में करीब 40,000 पौधों की प्रजातियां, 1300 तरह के पक्षी, 430 तरह के मैमल्स और 2.5 मिलियन टाइप्स के दूसरे जीव बसते हैं। इसी जंगल की एक नदी भी है जिसे अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है, जहाँ करीब 3,000 से भी अधिक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है। यही नहीं, ये जंगल दुनिया के कई खतरनाक शिकारी जानवरों का भी बसेरा है, जिनमें इलेक्ट्रिक ईल, पिरान्हा, जहर वाले मेंढक, जगुआर, जहरीले सांप आदि शामिल हैं। इस कारण हम इंसानों के लिए इसके अंदर कदम रखना किसी बड़े खतरे से भी कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो सबसे बड़े जंगल जिन्हें देखना भी अपने आप में एक रोमांचक पल साबित होता है। वैसे आपको इन सब में कौन सा जंगल सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।